you're watching Exposed India. आप सभी ने सुना होगा कि महाभारत में अभिमन्यु नाम का एक योद्धा था जिसने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीखी थी। मॉडर्न शिक्षा में भी अब कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो अवध विश्वविद्यालय है वो एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा है जहाँ जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले ही गर्भ में ही संस्कारों की शिक्षा दी जाएगी। मेरे साथ समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दीक्षित जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये शिक्षा पद्धति कैसी है। सर, पहले जन्म के बाद शिक्षा दी जाती थी, अवध यूनिवर्सिटी एक नया कोर्स शुरू करने जा रही है जहाँ गर्भ के अंदर ही बच्चे को शिक्षा संस्कारों की दी जाएगी, कैसे किस तरीके से ये ख्याल आया और इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना क्या है? देखिए, ये तो बात सही है कि हम लोगों ने जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अपनाई हुई है उसमें ये मानते हैं कि शिक्षा जो 2.5 साल से या 4 साल से प्रारंभ होती है और 4 साल तक के बच्चे को भारत की सरकार भी अशिक्षित ही मानती है क्योंकि वो शिक्षा के आंकड़े में काउंट नहीं किए जाते। लेकिन अगर आप भारतीय पद्धति की बात करें या भारतीय प्राचीन व्यवस्था की बात करें तो हमने 16 संस्कारों की परिकल्पना की हुई है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बालक के, किसी भी बालिका के। और वहाँ पर जब वर्णित आप संस्कार को देखते हैं तो प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार ही है। उसके बारे में धीरे धीरे हमें लगता है कि एक 19वीं शताब्दी के बाद से एक उदासीनता आती गई और हमने उस संस्कार के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया और हमने एक मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट किया। हम लोग इस वर्ष जब दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे थे तो माननीय राज्यपाल महोदया ने इस बात की पहले जिक्र की, सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया कि बच्चियां अस्वस्थ हैं, ये अस्वस्थ बच्चियां किस प्रकार स्वस्थ माँ बनेंगी और अगर ये स्वस्थ माँ नहीं बनेंगी तो आगे आने वाली संतानों का, आगे वाली पीढ़ी का क्या भविष्य होगा। क्यों ना हम इस बारे में चिंतन करें और अपनी प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत गर्भाधान के दौरान से ही हम माँ और बच्चे दोनों को शिक्षा देने की अपनी एक व्यवस्था को विकसित कर सकें। उनका संदर्भ भी निश्चित था क्योंकि गुजरात चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का एक प्रोग्राम विकसित किया था और वो प्रोग्राम वहाँ पर चलाया जा रहा है। वो प्रोग्राम लंबे समय का प्रोग्राम है, 2 वर्ष का, लगभग 1.5 वर्ष, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष और 2 वर्ष के प्रोग्राम है वहाँ पर। हम लोगों ने उसको लेकर चिंतन प्रारंभ किया, उसी दिन से ही प्रारंभ किया। हमने तमाम विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनसे सलाह मशवरा की, अपने ग्रंथों को टटोला और हमें मनुसंहिता से लेकर मनुस्मृति से प्रारंभ होकर और अंत तक बहुत सारे ऐसे संदर्भ प्राप्त हो गए जिससे कि हमें लगा कि हम शायद इसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर थे, हम शायद इसके बारे में जानकारी नहीं रख पा रहे थे और यही कारण है कि शायद हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं ठीक से। इसके बैकग्राउंड को लेकर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, विशेषज्ञों के साथ बैठक की, क्योंकि मैं भारतीय शिक्षण मंडल के साथ व्यक्तिगत रूप से उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ और उस प्रकार हमने अपने गुरुकुल प्रकल्प को भी टटोला, हमने उनसे भी सलाह मशवरा किया, उनके भी आचार्य लोगों को, उनके पाठ्यक्रमों को एकत्रित किया और तमाम सारी वो सामग्री एकत्रित की जो हमें अवेलेबल थी लेकिन हम उसका कहीं पर उपयोग नहीं कर रहे थे। हमने उनको अवेलेबल किया, उनको इकट्ठा किया, उसे अपने आधुनिक विज्ञान की व्यवस्था जिसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी कह सकते हैं उसके साथ अपनी कल्चरल प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी को ऐड करके इस कोर्स का विकास किया है और हम इस प्रक्रिया में इस प्रकार से जा रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेंट मदर्स, उनके पेरेंट्स, फादर, उनकी फैमिली सभी को एकत्रित रूप से ये प्रशिक्षित कर सकें कि उनके बच्चे का स्वस्थ रहना न केवल उनके लिए आवश्यक है बल्कि उसका स्वस्थ रहना पूरे देश के लिए आवश्यक है। दूसरे ये कि मदर अगर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे का स्वस्थ होना लगभग असंभव है, इसलिए उस पूरी प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी में मदर को क्या चीज़ मिलनी चाहिए यह संस्कार हमें उनके हस्बैंड्स को देना होगा, उनके पतियों को देना होगा। सामान्यतः भारत की बड़ी विचित्र सी एक परंपरा बनी हुई है कि घर की महिला सबसे आखिर में भोजन करती है, लेकिन क्या गर्भ धारण करने वाली महिला भी आखिर में भोजन करे या उसकी व्यवस्था अलग होनी चाहिए? यह संकोच छोड़कर यह पूरे परिवार को सोचना होगा कि गर्भ धारण करने वाली महिला अपने गर्भ में एक देश का भविष्य विकसित कर रही है, इसलिए उसका स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न साइंस के साथ जो विकास है, जो हमारा अपना प्राचीन
वैज्ञानिक शास्त्र ज्ञान परंपरा है, और उसके साथ मिलाकर एक पाठ्यक्रम को इस प्रकार से विकसित करना कि जो आधुनिक समय के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि आधुनिक परिवेश में हमारी सांस्कृतिक शिक्षा को किस प्रकार दिया जा सकता है, ये उसका एक पाठ्यक्रम है। सर, मैं ये जानना चाहता था कि आखिर किस तरीके से इसकी कक्षाएं चलेंगी और क्या इसमें परीक्षाएं होंगी और सर्टिफिकेशन अभी कोई सिस्टम होगा इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, ये एक समाजोन्मुख व्यवस्था के हिसाब से चलाई जा रही है, न कि कोई परीक्षा देकर सर्टिफिकेट देना कर। ये जो हम लोगों ने जॉब ओरिएंटेडनेस का एक साथ फैला रखा है, ये उसका शिकार बिल्कुल भी नहीं है। ये अवेयरनेस का कार्यक्रम है। इसकी सफलता, इसमें जो प्रतिभाग कर रहा है उसकी सफलता और जो चला रहा है उसकी सफलता, इस बात पर निर्भर करेगी कि इस कार्यक्रम से हमें क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, समाज को क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ये केवल एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपने इस कार्यक्रम को अटेंड किया। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई पास फेल का सर्टिफिकेट हम जारी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो फेल भी होता है तो उसे तब तक कर सकता है जब तक कि वो उसको अपने रुचि के हिसाब से न समझ ले, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से न समझ ले, अपने सांस्कृतिक परिवेश के हिसाब से न समझ ले कि उसे अपने गर्भधारित की हुई महिला के साथ क्या करना है। सर, इसके लिए क्या विशेष तौर पर टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी और क्या कोई खास तरह की ट्रेनिंग उन टीचर्स को दी जा रही है? क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन मसला है, प्राचीन काल में इस तरह की चीज़ों का उपयोग होता था और एकदम से अब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। नहीं, विशेष परेशानियों का सामना इसलिए नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हम कई महीनों से इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं और कई स्तरों पर कर रहे हैं। हमने अपना लगभग सारा पाठ्य सामग्री विकसित कर ली है। आगामी 10 तारीख को कार्य परिषद औपचारिक रूप से इसे मान्यता भी दे देगी और हम उसके बाद उसको औपचारिक पब्लिसिटी, जिसको कह सकते हैं, प्रचार प्रसार भी करेंगे। हमने शिक्षक तैयार कर लिए हैं। हमने इसे योग एवं योगोपचार विभाग में इसको विकसित किया है और वहाँ पर हम प्राकृतिक चिकित्सा के पाठ्यक्रम भी पहले से ही चला रहे हैं, योग के पाठ्यक्रम पहले से ही चला रहे हैं। उसमें इन संस्कार को ऐड करते हुए हमने अपनी फैकल्टी को विकसित किया है। फैकल्टीज़ के लिए हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अपने आप ऑर्गेनाइज़ कर लिए हैं। इस प्रकार किए हैं कि जैसे गायत्री पीठ में यह कार्यक्रम चल रहा होता था, हमारे गुरुकुलों में कार्यक्रम चल रहे होते थे, तो हमने इन सारों को इकट्ठा करके उन सेट ऑफ टीचर्स को विकसित किया है कि जो योग विभाग में है उनका ओरिएंटेशन हो जाए कि उन्हें इस पाठ्यक्रम को किस प्रकार चलाना है, और आवश्यकता पड़ने पर जो आधुनिक शिक्षक हैं वे भी इसमें इंटरवीन करेंगे, लेकिन उनका ओरिएंटेशन भी करना है कि आपको आधुनिक वर्सेस प्राचीन नहीं करना है बल्कि आधुनिक और प्राचीन करना है। ये जो वर्सेस की व्यवस्था बन गई थी कि ये इसके विरुद्ध है या ये या वो, नहीं है बल्कि ये और वो मिलाकर है, ये व्यवस्था लाकर डालनी है। तो इसलिए उसमें आधुनिक चिकित्सक भी आएंगे, उसमें नाड़ी चिकित्सक भी आएंगे, उसमें वैद्य भी आएंगे, उसमें योगी योग का शिक्षण देने वाले भी लोग भी आएंगे और उसमें प्राकृतिक चिकित्सा के लोग भी आएंगे। ये सभी मिलकर इस कार्यक्रम को रन करेंगे। तो सर, आखिरी सवाल ये था कि जिस तरीके से ये जो पूरा शिक्षा पद्धति जो यूनिवर्सिटी चलाने जा रही है कि विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए है, कोई भी वर्ग की महिला इसको इस शिक्षा व्यवस्था को देख सकती है, इसको ज्वाइन कर सकती है। और दूसरा सवाल ये कि क्या इसमें डॉक्टर्स की भी मदद ली जाएगी, क्योंकि एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, गर्भवती महिलाएं रहती हैं पूरा, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से मेरा जो संकल्पना हम लोगों की है वो ये है कि एक्सपेक्टेंट मदर्स तो इसे करें ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी आवश्यक है कि संपूर्ण परिवार इसे करें, एक दूसरे को समझना। अगर आप महिला नहीं हैं तो विश्वास कीजिए, आप ये नहीं जान सकते हैं कि गर्भ के दौरान महिला को क्या कष्ट होता होगा। प्रसव की पीड़ा सिर्फ महिला जाने ये आवश्यक नहीं है, उसकी पीड़ा वो पूरा परिवेश जाने ये आवश्यक है। इसलिए वो हम कोशिश ये कर रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पिताओं को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, परिवार के अन्य लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये पूरी प्रक्रिया को समझें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो आपने कहा आधुनिक चिकित्सक भी इसमें जुड़े होंगे, क्योंकि इस मैंने जैसे कहा कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक कल्चरल प्रोसेस है, दोनों को मिलाया जाना है, बस दोनों एक दूसरे से अलग और एक दूसरे के विपरीत नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। तो सर, क्या हम लोग ये माने कि अब जिस तरीके से जो महाभारत कालीन में बातें होती थी कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही शिक्षा ले ली चक्रव्यूह, क्या वैसे अब अभिमन्यु देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में? विश्वास कीजिए, शिक्षा में इतनी शक्ति तो अवश्य है और अगर उसको उसे मन से चलाया जाएगा तो आपको अभिमन्यु की पूरी फौज मिलेगी। तो ये थे मेरे साथ अवध विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज दीक्षित जी, इनका कहना है
कि अब आधुनिक भारत में भी अभिमन्यु आएंगे और अभिमन्यु की फौज आएगी, क्योंकि अब गर्भ के दौरान ही महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे ताकि उनको जो शिशु उनके गर्भ में है उसको वो संस्कार मिल सके। जाहिर है इस तरह की जो शिक्षा पद्धति है इससे एक नया बदलाव आएगा, समाज की जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक बदलेगी। राजधानी लखनऊ से मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Watching Exposed India.